बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा अपडेट क्या भाई कि सऊदी अरब में भी क्या 12 रबी उल अव्वल मनाई जाती है, जैसा कि आज पाकिस्तान में 12 रबी उल अव्वल मनाई जा रही है। मैं शायद आपको छोटी सी एक साथ में वीडियो भी दिखा रखा हूँ इसी से रिलेटेड कि पाकिस्तान में 12 रबी उल अव्वल भाई कैसे मनाई जा रही है, लोग कैसे पहाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं और गलियों मोहल्लों को सजाते हैं। तो सऊदी अरबिया में क्या ऐसे मामला होते हैं या नहीं होते हैं, तो देखते ही मैं बाहर निकला हूँ तो मैं आपको कुछ बाहर के मनाजर दिखाता हूँ कि सऊदी अरबिया में क्या कभी किसी ने कोई झंडा वगैरह या कोई ऐसे पहाड़ी या कोई ऐसी डेकोरेशन की हुई है। तो जितनी देर मुझे सऊदी अरबिया में होगी है 5-7 साल से, तो उसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी क्या कोई चीज़ देखी है या नहीं देखी है। तो दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बाहर के कुछ मनाजर दिखाता हूँ कि यहाँ की सूरत हाल कैसी चल रही है। आज की रात हाईवे के ऊपर चल रहा हूँ मैं, देख लें जी आप, ठीक है। गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, साथ में देख लें नहदी मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा। कोई किसी किस्म की लाइटिंग आपको दिखाई दे रही हो? हाँ, शॉप वगैरह के बाहर जो लाइटिंग है वो तो है। इसके अलावा आपको कोई गाड़ियों के ऊपर झंडे कोई लाइटें वगैरह ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलते हैं, एक जगह पर मैंने लाइटिंग देखी है तो उसके मतलब भी आपको बताता हूँ। तो ये लाइटिंग देख लें, ठीक है, चल रही है, जगमग भी कर रही है, साइड पर लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे गलियों मोहल्लों में सजाया जाता है, और ये भी एक रोड है, बाज़ार है। तो लेकिन इसे भाई लाइटिंग लगाई गई है यहाँ पर, ये नीचे काम हो रहा है, सेफ्टी के लिए लाइटिंग इस्तेमाल की गई है, ना कि इस कोई भी किसी किस्म का यहाँ पर जश्न मनाया जा रखा है इस 12 रबी उल को लेकर। जो भाई सऊदी अरब में मुकीम है तो वो तो जानते होंगे। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, मस्जिद के करीब हूँ अभी मैं, मस्जिद के बाहर या मस्जिद पर लाइटिंग वगैरह है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद देख लें जी, ठीक है, मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मस्जिद का ऊपर गुमत सब्ज लाइट तो इधर हर मस्जिद के ऊपर लगी होती है, तो मस्जिद पर कोई लाइटिंग शाइटिंग कोई महफिल मिलाद कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। नीचे ग्राउंड है, कोई लड़के खेल रहे हैं, लेकिन मस्जिद में ऐसी कोई भी लाइटिंग नहीं है, कोई महफिल मिलाद का सिस्टम या कुछ भी नहीं है। मैं आपको और भी प्लेस जो यहाँ पर है उनका विज़िट करवाता हूँ, दिखाता हूँ जी, सब खिला भी आपको जी। तो वीडियो मैंने आपको कुछ जगहों की दिखा दी है सऊदी अरबिया से, ठीक है। तो भाई मैंने अपने जो मुझे इधर 8-9 साल हो गए हैं, इस दौरान मैंने नहीं देखा है किसी भी साल का कहीं कोई झंडा या कोई खिलौना या कोई पहाड़ी या कोई जश्न या कोई लाइटिंग का समा हो। हाँ, कुछ दोस्तों से मैंने ज़रूर सुना था कि भाई मदीना मुनव्वरा में 12 रबी उल दिन या रात को शायद कोई लाइटिंग वगैरह या कोई ऐसा इंतज़ाम हल्का फुल्का किया जाता है, तो मैंने नहीं देखा। बहरहाल मैंने एक चीज़ देखी थी मक्का अल मुकरमा में, शायद मैं उसके रिलेटेड आपको अभी पिक्चर भी दिखा रहा हूँ साथ में। मैंने वो तस्वीर ली थी उस टाइम कि मक्का टावर है जो, उसके ऊपर सब्ज कलर की लाइट चल रही थी और वो घूम रही थी और कभी सीधी ऊपर को जाती थी कभी चारों तरफ घूमती थी। मक्का की हदूद से बाहर भी अगर थे ना आप तो तब भी आपको वो दिखाई देती थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी वो। तो वो भाई लगाई हुई थी गालबर रमज़ान के महीने में उन लोगों ने, मैं उम्रे के लिए गया हुआ था उस टाइम, तो मैंने उस वक्त देखी थी कि रमज़ान के महीने में लगाई थी मक्का टावर के ऊपर सब्ज कलर की लाइट, ना के 12 रबी उल के ऊपर। अभी 12 रबी उल अव्वल ये तो एक अलग मामला है कि इसे मनाना चाहिए या कुछ बोलते हैं नहीं मनाना चाहिए, ये तो भाई हर बंदे का अपना फेल है। कुछ मेरे भाई सऊदी अरब में मुकीम हैं, उन्होंने बहुत से मनाजर देखे होंगे। अगर आप में से किसी ने भाई को मंजर देखा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो वरना भाई सऊदी अरब में मैंने अपने 8-9 साल के तजर्बे, आप अपने 8-9 साल जो मैंने यहाँ पर वक्त गुजारा है, इस दौरान मैंने ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी हैं जश्न मिलाद या 12 रबी उल के मुतल्लक। हालांकि इससे पहले मैं आपको 10 मुहर्रम के मुतल्लक भी एक अपडेट दे चुका हूँ उसी दिन की, तो लेकिन आज 12 रबी उल थी तो मैंने बोला चलो आप भाइयों के साथ आज की न्यूज़ भी शेयर कर दूँ। लाइव मैंने आपको कुछ मनाजर भी दिखाए हैं यहाँ से, तो ऐसी बातें भाई यहाँ पर मैंने नहीं देखी हैं, बाकी ममालक में होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पाकिस्तान के मुतल्लक हल्की सी एक वीडियो भी दिखा दी है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राय, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।